शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये कैसे गिर गया? मैंने तो इतने संभाल के उठाया था। भगवान, सारा खाना गिरा दिया तुमने श्रद्धा। कैसे? ये ध्यान से नहीं कर सकती हो क्या? कहाँ रहता तुम्हारा ध्यान? हे भगवान, श्रद्धा तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अगर तुमसे इतना सारा काम नहीं लिया जाता है तो क्यों लेती हो अपने सर पे? तनुजा, गलती से हो गया होगा, किसी से भी हो सकता है। अरे भाभी, सुबह से सारी गलतियाँ इसी से हो रही है। पता नहीं सुबह से इसका ध्यान कहाँ है, और एक दिन में कोई इतनी गलतियाँ कैसे कर सकता है? अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो हम लोगों को बोल देती, हम लोग कर लेते। श्रद्धा, तनुजा भाभी बिल्कुल सही कह रही है, तुम किसी बात को लेकर तो परेशान जरूर हो। तभी तो पहले सामान भूल गई तुम, उसके बाद तोहफा खराब हो गया और अब ये खाना खराब हो गया। बुआ जी, पता नहीं ये कैसे गिर गया, पता नहीं ये बर्तन के बाहर तेल कैसे लग गया और मेरे हाथ से ये फिसल गया। कहाँ से लग गया था, क्या मतलब है? सारा काम तो आप ही कर रही थी ना, तो आपसे लगा होगा। वैसे भी हम लोग पापा का जन्मदिन मना के बस खुशी मनाना चाहते थे, लेकिन नहीं, आपको तो सारी जिम्मेदारी अकेले उठानी थी ना, तो सब कुछ खराब कर दिया। तमाशा देखकर मतलब क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? ये सब मैंने किया है? तुम जैसे घबरा रही हो ना, देख के यही लग रहा है कि ये सब तुमने किया है। तुम अपनी बहन की गलती ना मुझ पर मत थोपो। मम्मी, रोशनी देखो पापा को क्या हो रहा है, जल्दी आइए सब। अरे क्या हो गया इनको? क्या हो गया आपको? आप तो अभी बिल्कुल ठीक थे। ये दर्द, अरे आपको कितना पसीना आ रहा है, हे भगवान! अरे कोई पानी लेकर आइए। मैं लेके आती हूँ, जल्दी लाओ। हे भगवान, क्या हो गया आपको? तो मेरे से क्या हो गया सर? पानी। हटो श्रद्धा, मुझे देखने दो। जी की हार्ट पे भी बहुत तेज है, पल्स पे भी बहुत पड़ रहा है, कहीं उन्हें अटैक ना आ जाए। अबे जल्दी से हार्ट स्पेशलिस्ट को फोन करो, जल्दी। जल्दी डॉक्टर को फोन करो। अनु जी, हे भगवान, क्या हो रहा है इनको? अभी तक तो सब ठीक था, ये अचानक से इतना दर्द कैसे होने लग गया? हेलो, डॉक्टर सक्सेना, आप प्लीज जल्दी से ना त्रिपाठी निवास आ जाइए। पापा को पता नहीं चेस्ट में पेन हो रहा, बहुत शायद से अटैक आ रहा है। अनु जी! पापा! नहीं, अनु जी! भैया! अनु जी! आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? पापा बेहोश हो गए, प्लीज प्लीज आप जल्दी से घर आ जाइए। क्या सर, आप मेरी अभी डॉक्टर ने क्या बोला? वो किसी पेशेंट से बिजी है, इनको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट को जानती हूँ, मैं ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता वो यहीं आ जाए।
चाचू पापा चाचू पापा आंखें खोली पापा आंखें खोली अनु जी आंखें खोली हाँ ठीक है मैं आपको त्रिपाठी निवास का एड्रेस भेज रही हूँ आप प्लीज जल्द से जल्द आ जाइए हाँ ओके रोशनी क्या कहा डॉक्टर ने हाँ अभी वो आ रहे हैं किस्मत से पास ही किसी के पेशेंट को वो देखने आए हुए थे उन्होंने कहा वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे हाँ। जी, मैं, हाँ, प्लीज मेरे सोफे पे लेटाइए डॉक्टर डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच आप आ गए प्लीज आके देखिए ना मुझे बहुत घबराहट हो रही है प्लीज आइए उठा रोशनी इनका पल्सर देखिए जल्दी हाँ। क्या है अब पल्सेट बहुत कम आ रहे हैं इनका बीपी डाउन हो गया अभी माता रानी पापा जी को कुछ ना हो उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब इन्हें हुआ क्या है देखिए इन्हें दिल का दौरा नहीं पैनिक अटैक आया है कुछ कुछ लक्षण दोनों में सेम होते हैं मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है थोड़ी देर में होश आ जाएगा आप लेकिन इन्हें आराम की बहुत जरूरत है पर डॉक्टर साहब अभी कुछ देर पहले ये बिल्कुल ठीक थे तो फिर ये अटैक हम इनका जन्मदिन मना रहे थे और फिर अचानक से इनके पता नहीं कैसे इनकी चेस्ट में पेन होने लग गया इन्होंने सुबह कोई दवा खाई थी हाँ भाई डायबिटीज की दवा तो एक बार चेक कीजिए कि दवा कौन सी ली थी क्योंकि हो सकता है दवा एक्सपायर हो या आपको गलत दवा ले ली हो तो उसकी वजह से साइड इफेक्ट हो गया हो अब क्या मैं दवा दे सकता हूँ एक बार दवा ये दवा तो गलत है ये किसने दिया इन्हें इसी की वजह से पैनिक अटैक आया है जानती हूँ ये थोड़ा ज्यादा है लेकिन मकसद भी तो बड़ा है तुम्हारे लिए नफरत पैदा करवानी थी श्रद्धा जिसके लिए तुम्हारे प्यारे पापा जी को थोड़ा दर्द देना पड़ा मुझे डॉक्टर आप बस इतना बताइए कि अंकल जी को कुछ सीरियस तो नहीं हुआ है ना अगर कुछ सीरियस है तो हम इन्हें एडमिट कर सकते हैं हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अब नहीं अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है ये सब इस दवा की वजह से हुआ था हाँ अगर इनका बीपी फिर डाउन हुआ तो ही एडमिट करने की जरूरत है अच्छा हुआ कि डॉक्टर रोशनी ने मुझे टाइम पे फोन कर दिया और इत्तिफाका ने बगल में था तो मैं आ गया वैसे आपको चिंता मत कीजिए जल्दी ठीक हो जाएंगे आप प्लीज इन्हें इनके कमरे में लेके जाइए ताकि आराम कर सके श्रद्धा छोटी मोटी लापरवाही से ना फर्क नहीं पड़ता है माफी मिल जाती है लेकिन ये जो आपने किया ये बहुत गलत किया है किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग